अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, बस ड्यूटी हमारी ख़त्म हो गई, ड्यूटी से वापस आ रहा था। मैंने कहा चलो आज इधर से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो तमाम दोस्तों को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। असल में बड़ा आज एक दावत है हमारी, आज वो थोड़ी सी शेयर करूँगा, नाश्ते की दावत है। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ, तो चल कर देखते हैं और देखते हैं नाश्ते में आज क्या है स्पेशल। अभी हम रूम में जाते हैं और देखते हैं हमारी आज स्पेशल दावत में क्या हो रहा है इंशाल्लाह। व्लॉग हमने स्टार्ट कर लिया था जी, और माशाल्लाह जी नाश्ते की जगह पहुंच गए जनाब, मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर, और अभी शबीर भाई पहुंच गए माशाल्लाह। दही का आगाज़ हो गया माशाल्लाह, क्या बात है, चटनी बनने लगी है, और उसके बाद अभी प्लेटों में भी कुछ आएगा। आज स्पेशल नाश्ता है। भट साहब सब खैर सर, गुड मॉर्निंग, नाश्ते पे आ चुके हैं, और हमारे अच्छे साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह वो भी आ गए जी। जी क्या बात, दावत स्पेशल हो सर जी, ये तो आज स्पेशल दावत जनाब। आज मैं आपसे शेयर कर रहा था कि कौन सी दावत है, ये आज आए हैं जनाब आलू वाले पराठे, ये देख लें। मैंने कहा चलो आप व्यूअर से भी शेयर करूँ आज का नाश्ता स्पेशल, और साथ दही और चटनी साथ मिक्स करके दही की चटनी बनाई है वो भी, और ये आलू वाले आप लोगों ने आना तो खाएं, नहीं तो हम तो खाने लगे जी। बस हम नाश्ता हमारा शुरू हो गया, आपने आना तो मोस्ट वेलकम, खाएं नहीं तो हम नाश्ता करने लगे, और नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, हमने नाश्ता कर लिया, आपने देखा ही था, दोस्त अपने अपने रूम में चले गए, और आपको पता मेरी दो आदत है, आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि नाश्ते के बाद मैं थोड़ी सी वॉक लाजमी करता हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाता है बंदा, फिर उसके बाद नाइट ड्यूटी होती है ना, सोना होता है, तो फिर वो मैं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलो नाश्ते में मैं कभी बाद सैर के लिए निकला हूँ, वॉक के लिए थोड़ी सी, मैं कहा चलो नाश्ते के बाद वॉक, उसका भी ये देखें। आज थोड़ा सा रूट चेंज किया है वैसे, ये फैक्ट्री इधर भी फैक्ट्री है, और इस साइड भी फैक्ट्री है काफ़ी सारी। आज हमने थोड़ा सा एक साइड में आज थोड़ा चेंज किए, ये भी फैक्ट्री है, ये हमारे यूएई का इंडा रसल खैमा का। आज मैं बड़े अच्छे बाद वैसे इस साइड पे आया हूँ, इधर भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्यों गया, इस वजह से मैंने बड़े अच्छे बाद थोड़ा सा इधर विजिट किया है। आज चलो इसका वीडियो आपको देता हूँ, ये सुबह सुबह जी व्यूअर, ये देखा सर रूट थोड़ा सा मैं सही वाला रूम, मेरा जो है चक्कर लंबा हो जाता है वैसे, लेकिन मैंने आपके खातर में चलो आज सैर आज क्योंकि हैवी किस्म के पराठे खाएँ, वैसे मैं पराठा यूज़ नहीं करता, खुश्क रोटी यूज़ करता हूँ, लेकिन एक कभी कभी नाश्ते में अगर कुछ स्पेशल हो कोई दोस्तों की फरमाइश पर हम कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा नाश्ता जो है तो असल में मसला पता है कि एक ये है कि पराठे जो होते हैं ना कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ें तो वो ज़्यादा खाने से सेहत ख़राब होती है, वैसे इसको ज़रा कम से कम यूज़ किया करें। और हम भी बड़े अरसे बाद गिरमन महीना वन मंथ टू मंथ गुजर गए, लेकिन आज हमने फिर दोबारा आलू वाले ये पराठे ये स्पेशल बाहर से अरेंज किए थे, और उसका नाश्ता किया सादा ही था, और लेकिन उसके बाद वॉक ज़रूरी है ना, वो सेहत बनेगी, और आपका जो है ना वो जो आपने चीज़ खाई है वो आपको नुकसान नहीं देगी। चलें लेकिन आज साथ साथ एक चीज़ और भी आपको बताता जाऊँ, जो मैं खासकर यूज़ करता हूँ वो ये है कि वो आप नाश्ता करें, नाश्ते के बाद आपने सुबह को ना नाश्ते के बाद थोड़े से सौंफ ठीक है ना रोस्ट कर लें, अपने पास रख लें, एक चम्मच सौंफ आप अपने पास चुबा लें और उसके मुंह में हल्का हल्का, ताकि वो आपका जो है ना खाना वगैरह आपका उसे सही हज़म हो जाएगा, और बड़ा मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है वैसे उससे, आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा, स्मूथ रहेगा, वेट में भी इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और खाना भी आपका टाइम पे हज़म हो जाएगा, जलन वगैरह आपको नहीं होगी, सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है। तो लिहाजा खाने के बाद नाश्ता करना है या दोपहर का खाना या रात के खाने के बाद आप सौंफ लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। आपको लग रहा है माशाल्लाह, मैंने कहा चलो ये भी आपको शेयर करूँ, वापस जा रहा था, ये हमारा वापस रोड है नहीं है, ये देखिए जी फैक्ट्री की बड़ा अच्छा है इन्होंने लगाया हुए पौधे वगैरह का, बड़ी अच्छी सीनरी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है ना जी, ग्रीनिश जो होती है ना, और उनका अच्छा उन्होंने वर्किंग किया हुआ है जी। और आज हमारी सैर ख़त्म हुई और हम अपने क्लून में पहुँचे हैं, और ये माशाल्लाह हमारे क्लून के प्यारे प्यारे सब्जा माशाल्लाह, और
ये बाहर का नज़ारा, रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग तक, और नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि आपको एक, अब दो ब्लॉग मेरे हो गए हैं और आप नेक्स्ट इंशाल्लाह कुकिंग आपको अच्छा सा ब्लॉग दूँ, अच्छी सी डिश आपको, अच्छी सी रेसिपी आपको दूँ इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे आपको वीडियो कैसी लगी। और यही वीडियो को एंड करते हैं। आप डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।